नमस्कार दोस्तों, यूटीबी न्यूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत के घातक गेंदबाज ने कर दिया है संन्यास का अनाउंसमेंट। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मोहम्मद शमी ने आखिरकार संन्यास का अनाउंसमेंट क्यों किया, आखिर क्या वजह रही, अगर आप भी मोहम्मद शमी के बहुत बड़े और जबरा फैन हो और आप भी इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद है, तो वहीं भारत ऐसी टीम है जिसमें एक से बढ़कर एक घातक गेंदबाज मौजूद है। दोस्तों, घातक गेंदबाज की बात करें तो मोहम्मद शमी का नाम बहुत ऊपर आता है भारतीय टीम में। उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह जैसे बहुत ही खतरनाक और घातक गेंदबाज भारतीय टीम में मौजूद हैं, जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, हारे हुए मैच को जिता सकते हैं मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे घातक गेंदबाज। तो मोहम्मद शमी ने अपने संन्यास को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। मोहम्मद शमी ने कहा कि भारतीय टीम अब ऐसी टीम बन चुकी है जिसमें सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। भारतीय टीम में ऐसे 5 खिलाड़ी हैं जो 148-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने में माहिर हैं। मोहम्मद शमी ने कहा कि जब भी आप संन्यास लो तो संन्यास लेते समय आप क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्रिकेट के लिए और अपने जो युवा क्रिकेटर हैं उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसी क्रम में अब मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं संन्यास ले लूँ ताकि आने वाले जो युवा गेंदबाज हैं उनको आगे के लिए बहुत सारे मौके मिल सकें और वो भारतीय टीम को और भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। तो मोहम्मद शमी ने डेट तो नहीं बताई है कि मोहम्मद शमी किस डेट को आने वाले समय में संन्यास लेने वाले हैं, मगर ये जरूर साफ कर दिया है कि वो बहुत जल्द ही संन्यास का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि मोहम्मद शमी को अभी से संन्यास ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीबी न्यूज 24।